मेरे दोस्त, तुम्हारे पास घर नहीं है। मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ पेड़ पर ही रहते हो, वो दिन हो चाहे रात हो। क्या तुम्हारे पास अपना घर नहीं है? क्या तुम्हारी माँ के पास कोई घर नहीं है? मुझे देखो, मैं अपनी माँ के साथ अपने घर में ही रहता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त, मैं अपने घर जा रहा हूँ, फिर हम लोग कल मिलेंगे। माँ, सभी के पास घर है और अपने पास क्यों नहीं है? माँ, मेरा एक दोस्त कल मुझे कह रहा था कि तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम क्यों दिन भर और रात भर पेड़ पर ही रहते हो? माँ, मुझे ये बताओ कि अपने पास घर कब होगा? मेरे बच्चे, टेंशन मत लो, एक न एक दिन अपने पास भी घर होगा और हम आराम से अपने घर में रहेंगे और आराम से रात को सोएंगे। तुम मत घबराना, मैं बहुत जल्द एक न एक घर बनाऊंगी। माँ अपने बच्चों की बात सुनकर बहुत टेंशन में आ गई और यह सोचने लगी कि मैं अपने बच्चों के लिए घर कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं और मेरी सहायता भी कौन करेगा? ऐसे में हम अपने बच्चों को कैसे अपने घर में रखें? जब सुबह हुई तो माँ सोचने लगी कि किससे सहायता के लिए जाए, और ऐसे में उसे अपने भाई की याद आ गई और वह सोचने लगी कि क्यों ना मैं अपने भाई के पास जाऊं और उनसे कुछ सहायता मांगूं। वो ये सब सोचकर अपने बच्चों को बुलाई और कहने लगी, मेरे बच्चे, बस पास के गांव में तुम्हारे मामा रहते हैं, मैं वहां जा रही हूं और उससे सहायता मांगूंगी। हो सकता है कि वो मेरी मदद कर दे और कुछ पैसे मुझे दे दे, और उन पैसों से मैं तुम्हें एक खूबसूरत सा घर बना दूंगी और उस घर में तुम रात दिन रहना और बस सोते ही रहना। ये सब बोलकर वो अपने भाई के घर चल पड़ी। जब वो अपने भाई के घर पहुंची तो उसके भाई ने कहा, आओ आओ मेरी बहन, मेरे पास आओ, और कैसी हो बताओ, इतनी दिन बाद आ रही हो, सब ठीक तो है ना? हाँ मेरे भाई, सब ठीक है, बस अपना बताओ, आप कैसे हो? हाँ मेरी बहन, सब ठीक है, बस तुझे देखकर मेरा दिल खुश हो गया कि तू यहाँ आई, कुछ बताओ। हाँ मेरे भाई, सब ठीक है, बस थोड़ी सी परेशानी में हूँ। मेरे भाई, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मैं अपने बच्चों को लेकर पेड़ पर ही रहती हूँ। मेरे भाई, थोड़ी सी मेरी मदद कर देते तो आपका एहसान होता। भाई ने जब बहन की बात सुनी तो वो बहाने बनाने लगा और कहने लगा, अरे मेरी बहन, मैं खुद बहुत परेशान हूँ, मेरे पास तो खुद कुछ पैसे नहीं है, और ऐसे में मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ, अब तू ही बता। और वो उस दिन से कड़ी मेहनत करने लगी अपने बच्चों के घर के लिए, और वो उस दिन से रोज़ जंगल में जाती और इधर उधर जाकर कुछ ना कुछ लेकर आती। वो दिन का इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो अपनी मेहनत से एक सुंदर सा घर बनाए, और वो घर को देखकर बच्चे बहुत खुश हो गए।